नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा हूँ। आज मैं आपसे पेट की बीमारियों के बारे में, जिसमें गैस्ट्रोइसेफल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बात करना चाहूंगा। गैस्ट्रोइसेफल रिफ्लक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेट का एसिड उछल करके आपके खाने की नली के अंदर पहुंच जाता है और उसकी वजह से पेट में दर्द, खाने की नली के अंदर जलन और तेजाब और एसिड की समस्या महसूस होती है। यदि आम भाषा को देखें, आम जनता के अंदर 100 में से 20 लोगों को इस तरह का कोई ना कोई सिम्टम, यानी इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या रोज की रोज महसूस करनी पड़ती है। और यदि 20% हमारी जनसंख्या अगर इस परेशानी के साथ में सफर कर रही है, तो उसका ये मतलब है कि ये बहुत ही आम बीमारी है। ऐसा माना गया है कि यदि हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा इस बीमारी को महसूस करते हैं, तो आप एक खराब किस्म की गैस्ट्रोइसेफल रिफ्लक्स से सफर करते हैं, यानी वो ऐसे तेजाब की समस्या है जो खाने की नली के अंदर पहुंच के आपको परेशान कर रही है। इसमें दो प्रकार की बीमारियों के बारे में मेडिकल साइंस कहती है। एक जिसके अंदर ये तेजाब सिर्फ ऊपर आता है, आपको बेचैनी पैदा करता है और खत्म हो जाता है। दूसरी वो समस्या जिसके अंदर तेजाब ऊपर आता है, खाने की नली को जलाता है और खराब कर देता है, जिसकी वजह से जख्म या जिसको आगे आप पहुंच के अल्सर की बात कहते हैं, वो अल्सर बन जाता है। ये सबसे कॉमन या सबसे आम वजह से इसलिए मानी जाती है क्योंकि हर इंसान ने इसको कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा। वो समय ऐसा भी हो सकता है जिस समय आपने कोई दर्द की दवाई खाई हो, या ऐसा भी हो सकता है जिस समय पे आप किसी परेशानी के साथ, किसी स्ट्रेस के साथ, किसी समस्या से जूझ रहे हो, उस समय पे ये चीज बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोगों का वजन ज्यादा हो, जिन लोगों को बाहर खाने की आदत हो ज्यादा, जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें को यूज करते हो, जो शराब ज्यादा पीते हो, जो स्मोकिंग ज्यादा करते हो, एक्सेस में स्पाइसी फूड खाते हो, उन लोगों को ये समस्या ज्यादा महसूस होती है। और ये जरूर देखा गया है कि इसकी वजह से तेजाब ऊपर चढ़ के पेट में से खाने की नली में पहुंचता है और समस्या। आम लोग इस चीज को ऐसे महसूस करते हैं जैसे खाने की नली के अंदर किसी तरह की जलन हो या उसके अंदर कोई एसिड का प्रभाव हो। ये एसिड या गैस का प्रभाव इंसान को बहुत बेचैन करता है और कई बार तो इंसान को अपने आप ऐसा महसूस होता है कि उल्टी हो जाएगी या उल्टी हो जाती है। ये चीज इंसान के खाने के ऊपर भी असर डालती है, उसकी भूख को कम करती है, उसको बेचैनी पैदा करती है और साथ ही साथ ये भी पैदा करती है कि इंसान एक नॉर्मल खाने को भी नहीं ले पाता। क्या ये हर इंसान को होती है? शायद हर इंसान को ये कभी ना कभी जरूर होती है, लेकिन क्या हर इंसान को इसके इलाज की जरूरत है, वो एक अलग बात होती है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा ऐसी दिक्कत हो रही हो, यदि आपको खाना खाने में समस्या होने लगे, यदि आपको खाना अटकने लगे, यदि आपको लगे कि खाना खाने के बाद आपको उल्टी हो रही है या उल्टी होने के बाद में उसके अंदर कोई खून आ रहा है, तो ये वो सारी समस्याएं हैं जिस समय पे आपको एक पेट के स्पेशलिस्ट के पास पहुंच के अपनी जांच को जरूर करा लेनी चाहिए। यदि हम किसी भी इंसान को देखते हैं जिसको ये समस्या है, तो उसको तीन तरह की जाँचों को हम एडवाइस करते हैं। उसमें खून की बनी जाँचें होती हैं जिसके अंदर की लिवर की समस्या और जाँच की जाती है। नंबर 2 पे अल्ट्रासाउंड की जांच की जाती है जिसमें पेट के अंदर लिवर और पित्त की थैली की सूजन को जज किया जा सकता है। और तीसरी जो होती है वो एंडोस्कोपी की जांच होती है, इसमें डायरेक्टली खाने की नली के अंदर क्या जख्म है और क्या अवसर बना हुआ है उसको देखा जा सकता है। यदि हम इसके इलाज की बात करें, इलाज इसका बहुत आसान होता है। दिन में 1 या 2 गोली खाने से, संतुलित आहार लेने से, सिगरेट और शराब को छोड़ देने से इस चीज में 50% से ज्यादा वैसे ही काबू पाया जा सकता है। इंसान का वजन अगर ज्यादा हो, इंसान अगर सैर ना करता हो, इंसान खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाता हो, तो ये परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि हम इन 3-4 चीजों का ध्यान रखें, समय पे आहार लें, संतुलित आहार लें, थोड़े से कपड़े अगर बहुत ज्यादा टाइट ना पहने, यदि हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा सैर करें या थोड़ी देर के लिए हल्का फुल्का रेस्ट करें, लेकिन एकदम से ना लेटें, तो ये तेजाब ऊपर नहीं चढ़ पाता। तेजाब ऊपर ना चढ़ पाने की वजह से इंसान की जो अंदर के जख्म बने होते हैं वो जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसमें दवाई की जरूरत समझते हैं, उस समय पे खाने के लिए 1 या 2 गोली की जरूरत होती है, और ये 1 या 2 गोली जो तेजाब पेट से बन रहा होता है उसको खाने की नली में आने से रोकती रहती है। इसकी मदद से तेजाब बनना भी कम हो जाता है और पेट के छाले और खाने की नली के छाले भी भर जाते हैं। लंबे समय में यदि ये बीमारी बनी रहती है तो खाने के रास्ते को संकरा भी कर सकती है और बहुत ज्यादा बिगड़ जाने पे ये अल्सर की बीमारी का रूप ले लेती है। अल्सर की बीमारी का जो रूप होता है वो आगे जाकर के कैंसर बनने का डर रखता है। होता है ये 100 में किसी एक मरीज के साथ में है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये वाली परेशानी जो है वो डेफिनेटली हो सकती है। अभी हम
अपने आम तौर के जीवन के अंदर मरीजों को इन परेशानियों के साथ भी। तो हमारा सबको एक ही प्रकार की सलाह है, समय पे खाना खाएं, अपने वजन को संतुलित रखें, संतुलित आहार लें, चाय कॉफी शराब सिगरेट इसका सेवन ना करें जितना हो सके, और जितना कंट्रोल कर सके इसको उतना अच्छा है। यदि आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके लिए समय पे उचित डॉक्टरी सलाह लें और प्रॉपर इलाज के साथ में इसको 100% ठीक किया जा सकता है। हम ये चाहेंगे कि हमारे अपने मरीजों की पेट और लिवर की सारी जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं वो समय पे एड्रेस हो सकें, उनको हम समय पे ठीक कर सकें और अपने अच्छे पाचन शक्ति के साथ अपना जीवन